और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पीएसए प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं, ऑनलाइन उद्घाटन होगा और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन की, ऑनलाइन इनॉग्रेशन की। इस मौके पर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट एक बड़ी राहत एक उम्मीद कि इन ऑक्सीजन प्लांट के लग जाने से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में जब दूसरी लहर में हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं जब ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई थी, ऐसे में अब ये पीएसए प्लांट राहत देने के लिए सात पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं, वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सात पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया, ऑनलाइन उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं, वर्चुअली इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम से। और इन ऑक्सीजन प्लांट के इनॉग्रेशन से बड़ी राहत एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है इस पेंडेमिक एरा में, इस महामारी के दौरान जब सेकंड फेज हमने देखा, जब दूसरी लहर थी कोरोना की, उस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत सबने देखी। हालांकि झारखंड दूसरे राज्यों को देश भर में सप्लाई भी करता रहा, लेकिन अब पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से अस्पतालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ये कोशिश सरकार की कि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए, अगर हालात खराब होते हैं तब भी। पहला 5 प्लांट हुआ है और सर आज ये 7 प्लांट्स एक्सेप्ट सेंट सैलिस का आज इनॉग्रेशन, वर्चुअल इनॉग्रेशन सर आपके द्वारा किया जाना है और ये सब संभव हो पाया है डिप्टी कमिश्नर्स का सपोर्ट से एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये ग्लिम्सेस ऑफ वेरियस प्लांट्स सर, तो फर्स्ट मैं चाहूंगा फर्स्ट स्लाइड में जाए चंद्र। ये सदर हॉस्पिटल का है, मर्सी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर रामगढ़। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सरायकेला में सर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, न्यू सदर हॉस्पिटल देवघर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चकुलिया, काफी सहयोग मिला डिप्टी कमिश्नर्स एंड सिविल सर्जन्स का पूरे डिस्ट्रिक्ट में। सर ये सेंट एनीस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हमने क्रिसमस के पहले 21 तारीख को लोकल एमएलए सर से कराया था और काफी अच्छा रहा यहाँ पे पार्टिसिपेशन। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
So, sir, we are moving finally to the virtual inauguration, and so मैं request करूँगा आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ. सर, हमारे हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें एवं हमें मार्गदर्शन करें. सो ओवर टू यू सर, बन्ना गुप्ता सर. आप म्यूट में हैं मंत्री जी, आपका थोड़ा. सर आप म्यूट में. माननीय मुख्यमंत्री जी को जोहार. सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, राजीव वरुण एक्का साहब और हमारे एनएचएम डायरेक्टर साहब, सभी संबंधित जिला के उपायुक्त, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नववर्ष मंगलमय हो, उन्नति और समृद्धि से भरा हो. और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि स्वस्थ और समृद्ध झारखंड बनाने की जो सोच के साथ इस नई सरकार ने सत्ता में बैठने का काम किया, ये अलग सी बात है कि COVID-19 जैसे एक विश्वव्यापी संकट ने हमारे जो हमारे काम करने के तौर तरीके थे उसमें थोड़ी बाधा उत्पन्न की. लेकिन इसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है और जो उनकी लगातार नए नए इनोवेशन के साथ नई नई व्यवस्थाओं को खड़ा करके झारखंड की जनता को एक स्वास्थ्य की दिशा में इस विपरीत परिस्थिति में स्वावलंबी स्वस्थ करना है, उस दिशा में मैं समझता हूँ ये 7 PSA प्लांट भी मील का पत्थर साबित होंगे. और लगातार हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि झारखंड ही एक ऐसा देश का राज्य है जिसने वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम और फेडरल गवर्नमेंट की बात को जो है सही धरातल पर अमलीजामा पहनाया है. जब हमारे मित्र राज्य, चाहे वो दिल्ली, यूपी या कोई भी अन्य राज्य, ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहे थे, तो उस समय हमारे राज्य ने ही सभी राज्यों को एक छोटे भाई बड़े भाई बनकर एक सहारा के रूप में खड़ा होने का काम किया. और मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से, और मुझे अभी अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत धन्यवाद भी दिया कि आपके मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत मदद की है. तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारा राज्य ट्राइबल राज्य है, पिछड़ा राज्य है, लेकिन हमारी सोच, हमारी इनोवेशन क्षमता और हमारी जो है देश के प्रति जो है प्रेम और विश्वास ही बड़ा अद्भुत और अटूट है. और उसी की कड़ी में आज ये तीसरे लहर को भी हम देख रहे हैं. प्रथम चक्र को भी हम लोगों ने झेला है, सेकंड चक्र को भी मुस्तैदी के साथ साथ काम किया और विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, और ये तीसरे चक्र को भी हम बहुत मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य की जनता को ये जरूर विश्वास देते हैं कि राज्य की जनता को कहीं पर भी संकट नहीं होने दिया जाएगा. और जब दूसरी ही चक्र की बात चल रही थी तो ही हम लोग तीसरे चक्र की तैयारी में लग चुके थे. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे एसीएस साहब को भी कि वो भी और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सारे लोगों ने कदम से कदम मिलाकर नए नए इनोवेशन करने का काम किया. जब द्वितीय चक्र था, मुझे याद है कि द्वितीय चक्र में ही वैज्ञानिकों ने कहा था कि बच्चे और अल्पवयस्कों को हो सकता है तीसरी चक्र में नुकसान हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पीको, एनआईसीयू और हमारे चाइल्ड मदर यूनिट को मजबूत करने का काम किया. हमने अपने जितने पीएसए प्लांट वगैरह को मजबूत करने का काम किया और लगातार अभी भी हम लोग घर घर में जो है दवाई की किट पहुंचा रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हम लोगों को एक एक घर तक पहुंचना है और ये झारखंड में जो स्प्रेड हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है. और आज का दिन बड़ा शुभ दिन भी है कि आज हम 7 PSA प्लांट, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन के त्राहिमाम त्राहिमाम से पूरे देश और दुनिया ने किस तरीके से मौत के काल में समाने का काम किया था. लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 93 PSA प्लांट का अधिष्ठापन कर लिया है और मात्र मुझे लगता है 9 PSA प्लांट हमारे बनाने हैं. और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और आदेश पर हम लोग जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हैं उन लोगों को भी हम जो है उनके PSA प्लांट वगैरह
कैसे उनको और अधिष्ठापन हो, इसके साथ कैसे ब्लड की कमी नहीं हो, कहाँ ब्लड सर्कुलेशन मशीन लगाई जाए। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम 28,261 बेड हमारे पास हैं, और जिस परिस्थितियों को झेला है वो परिस्थितियां बड़ी डरावनी थी, बड़ी भयानक। बहुत खुशी होती थी कि एक युवा नेतृत्व के साथ जो है नई व्यवस्थाओं में हम लोगों ने और हमारे अधिकारियों को काम करने में बहुत आनंद होता था कि हम लोग किसी की मदद करें, क्योंकि उस समय जान जोखिम में डालकर हम लोगों ने काम किया है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनके सानिध्य में लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये 7 PSA प्लांट हमारे लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, और इसमें काफी संख्या में हमारे बेड भी, ऑक्सीजन बेड भी, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड इसे अधिष्ठापित हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से इस कोरोना के तीसरे चक्र को परास्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, दिशा निर्देश और आदेश पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से वचनबद्ध है, और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। माननीय मंत्री महोदय, आपको हमारा मनोबल बढ़ाने हेतु बहुत धन्यवाद। मैं पाथ की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि स्वास्थ्य के उन्नयन के हर संभव सहयोग हम प्रदान करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें, हमें प्रोत्साहन करें एवं मार्गदर्शन। अच्छा, पहले ये मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित करूंगा इनॉग्रेशन के लिए। टू रेज द कर्टन, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू डिस्प्ले, एंड सर आप उसको क्लिक करके प्लीज। यस, राइट, फुल स्क्रीन कर दीजिए। और ये उद्घाटन की तस्वीर आपके स्क्रीन पे ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है 7 PSA प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट का। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री व्यक्त करें और हमें प्रोत्साहन करें एवं मार्गदर्शन करें। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज यहाँ 7 PSA प्लांट के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित पाथ संस्था और गूगल कंपनी, एनएससी समूह के सभी सदस्यगण, हमारे साथ उपस्थित मुख्य सचिव SES NHM के सभी पदाधिकारीगण और गणमान्य सदस्यगण, आप सब लोगों का मैं आज के इस ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। और हमारे साथ विशेष रूप से उपस्थित आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आप सब लोग यहाँ PSA प्लांट के इस उद्घाटन में शामिल हुए हैं, इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। यूं तो निरंतर स्वास्थ्य क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी में हम लोग लगातार नई कड़ी जोड़ने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कभी एक समय ऐसा था कि इस राज्य में कोरोना कोविड टेस्ट की भी उपलब्धता नहीं थी। हम सब बगल बगल के राज्यों में निर्भर हुआ करते थे, और आज लगभग हम लोग इस संक्रमण
मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में तैयार रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में राज्य में अति अध्या मतलब हाईटेक हमारे टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए। कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, जहाँ शायद ही हम लोगों के जिला स्तर पे पीएसए प्लांट हुआ करते थे। आज लगभग सभी जिलों में पीएसए प्लांट स्थापित हो चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। और जहां हम लोगों ने 2500 ऑक्सीजन बेड से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, वो आज हम लोग लगभग 25,000 बेड के साथ तैयार खड़े हैं। वैश्विक महामारी कब तक रहेगा, कब तक चलेगा, इसका आकलन लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि हमें हर घड़ी ये नजर रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य विपत्ति कभी भी या कोई भी विपत्ति बोल के आती नहीं है, और इसके लिए क्या इंतजामत करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज सीमित संसाधन के साथ ये जंग, ये लड़ाई शुरू हुई हमारी, और हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ इस कोविड काल को हम लोगों ने बिताया है। और नए नए वेरिएंट की भी खबर रोज आ रही है, और चूंकि मूल रूप से इस संक्रमण का विशेष डायरेक्शन केंद्र सरकार से ही हमें प्राप्त होता है, और उनके गाइडलाइन के साथ हमें अपने राज्य के आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करना पड़ता है। और इसको लेकर अभी तक हम लोगों ने लगभग प्रबंधन के विषय में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आज लगभग संसाधन को लेकर जिला से लेकर प्रखंड से लेके बड़े शहरों तक में हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है, और अब चूंकि आधारभूत संरचना बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्थापित किया है, अब एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ा है कि इन आधारभूत संरचनाओं का सही इस्तेमाल और लगातार इस्तेमाल कैसे हो, इसकी भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हम इस विषय पर लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को और कैसे मजबूती दी जा सकती है, और लोगों तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था उसके पास, उसके करीब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है। और आज निश्चित रूप से जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसके माध्यम से उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा। और चूंकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है, जहां एक समय लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जाने गंवानी पड़ी, और आज जहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम और अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं है,
लेकिन लोग संक्रमित काफी हो रहे हैं। और आज हमको जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग हमारे राज्य में जो अस्पताल में मात्र 8% लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, और लगभग 3,500-4,000 केसेस प्रतिदिन राज्य में आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमण काल में, और इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता का भी एक बड़ा ये में हमें सोच के चलना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके। और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को प्रयास करने चाहिए। हमारे जो आज हमारे पाठ संस्था और गूगल कंपनी के द्वारा जो ये लगाया गया, मैं इन लोगों से यही आग्रह भी करूंगा कि आप लोग के तरफ से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आप लोगों के वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इन चीजों को, उसके माध्यम से भी कई तरीके हैं जहां लोगों को हम लोग एक जागरूकता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ तैयारी की जाए, ताकि लोग ऐसे स्थिति में अपने आप को तुरंत सिक्योर करने का, आप चूंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ सैनिटाइज करना या और भी तरीके के जो स्टेप है, ये स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो राह चलते ही लोग अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें और क्या माध्यम हो सकता है? संसाधन तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये बात जरूर है कि लोग अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड वगैरह सारी चीजें उपलब्ध हो रही है, इसकी जरूरत ही ना पड़े, इस विषय पर भी हमें कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए। मैं तो इस संदर्भ में अक्सर इस विषय को सोचता हूँ, लेकिन ये संक्रमण चूंकि ये हमारे वैज्ञानिक ही इसका सही रास्ता बताएंगे या उसका सही उपाय ढूंढ पाएंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक हमें लोगों को अवेयर करके ही इसमें बचाने में ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय पर भी हम लोगों को थोड़ा लोगों तक पहुंचना चाहिए और सब मिलकर के इस काम को करें। तो मुझे लगता है कि चूंकि आज स्थिति है, डॉक्टरों में भी संक्रमण फैल रहा है, हमारे फ्रंटलाइनर वर्कर्स भी इसमें इस कोविड के प्रभाव में आ रहे हैं। अब डॉक्टर और नर्सेस जब अस्पताल में संक्रमित रहेंगे तो पीएसए प्लांट और बेड का कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं रह जाता है। अलबत्ता हम सब लोगों को सुरक्षित रखें, इसलिए हमें पूरी तरीके से संसाधनों के साथ और लोगों को अवेयर करते हुए भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस विषय पर आप सब लोग भी सहमत होंगे और हमें भी कोई अच्छा मार्गदर्शन आप लोग सुझाव दें ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर सरकार को काफी मदद किया है, कई सारे संस्थाओं ने आज हमारे इस संक्रमण काल में हमें काफी सहयोग किया है। देश विदेशों से लोगों ने हमें यहाँ सहयोग भेजा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सबको जोहार।
प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा मेरे टीम को कि वो इनॉग्रल स्टोन जो लग रहा है सारे 7 फैसिलिटीज में, वो सर को सर से उनका विमोचन करें। सर ये सारे फैसिलिटीज में लगेगा। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, पूरे सारे 7 फैसिलिटीज में। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं ऑनरेबल सीएम सर को स्मृति चिन्ह और मोमेंटो को भेंट करना चाहूंगा सर। एंड बहुत बहुत सर धन्यवाद। मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, उनका अभिवादन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कैप्टन है, उन्हीं के पास आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए चलिए आपका ऐसे ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, ये ऑनलाइन उद्घाटन। और वर्चुअली स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस कार्यक्रम से जुड़े। अपना कीमती एवं बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए मैं ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर, रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, सेक्रेटरी टू सीएम, एमडी सर, प्रेजेंट सभी डिप्टी कमिश्नर, ऑल डायरेक्टर ड्रग्स, स्टेट एनएचएम, सिविल सर्जन, डीएचएस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। गूगल के प्रतिनिधि, एनएससी, गिव इंडिया, यूएसएड के प्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात के कंट्री डायरेक्टर एवं उपस्थित सभी स्टाफ, सीएचआरआई के सभी स्टाफ, मर्सी हॉस्पिटल सेंटेनरीज को इस कार्यक्रम में भाग लेने के एवं सफल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।